खेरिया मोड़, कमाल खान, धनौली, मलपुरा और जगनेर मार्ग के लोगों को 15 जनवरी से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खेरिया मोड़ ईदगाह आरओवी रेलवे पुल पर 15 जनवरी से रेलवे विभाग मरम्मत कार्य शुरू करने जा रहा है, जिसमें 2.5 महीने का वक्त लगेगा। इन 2.5 महीने के दौरान पूरा यातायात डाइवर्ट रहेगा। अब 15 जनवरी से मरम्मत के लिए बंद होगा ईदगाह खेरिया आरओबी। रेलवे इस आरओबी के गार्डर बदलेगा। टीम ने सर्वे शुरू किया है। यहां करीब 2.5 माह तक ट्रैफिक डाइवर्ट होगा। खेरिया मोड़, अर्जुन नगर, नरीपुरा, कमालखा, धनौली, मलपुरा, कागरौल, जगनेर रोड पर पड़ने वाले सभी गाँव के लोग शहर में आने के लिए इस आरओबी को पार करते हैं। ईदगाह खेरिया रेल ओवर ब्रिज की एक बार फिर से मरम्मत होने जा रही है। रेल मंडल आगरा की टीम यह कार्य 15 जनवरी से शुरू करेगी। 2 से 2.5 माह के लिए आरओबी बंद रहेगा। मंगलवार से टीम ने सर्वे शुरू कर दिया। आरओबी के 3 से 4 गार्डर बदले जाएंगे। यह गार्डर 60 साल पुराने हो गए हैं। एक गार्डर में जंग लग गई है। आरओबी को बंद रखने के दौरान ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग की टीम ने इस साल ईदगाह खेरिया आरओबी की मरम्मत की थी। करीब 1.5 माह तक आरओबी बंद रहा था। 2 और 4 पहिया वाहनों को डाइवर्ट किया गया था। इस आरओबी से हर दिन 1 से 2 लाख वाहन गुजरते हैं। साथ ही भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से गेहूँ के ट्रकों की भी निकासी होती है। दिल्ली आगरा रेल खंड में बना यह आरओबी 60 साल पुराना है। ट्रैक के ठीक ऊपर 3 से 4 गार्डर हैं। इस खंड में हर दिन 500 से अधिक ट्रेनों का संचालन होता है। 8 माह पूर्व रेलवे की टीम ने गार्डर की जांच की थी, जिस पर इनकी मरम्मत का प्रस्ताव तैयार हुआ था। यह कार्य नवंबर से शुरू होना था, लेकिन अब यह कार्य 15 जनवरी से चालू होगा। इसे लेकर मंगलवार से रेलवे की टीम ने सर्वे शुरू कर दिया। टीम कम समय में गार्डर को बदलना चाहती है। इससे लोगों को कम से कम दिक्कत होगी। नया साल ताजनगरी वासियों, और ये कहा जाए कि खेरिया मोड़ से लेकर कागरौल और ये जो पूरा इलाका है, इन यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए कष्टदायक हो सकता है। जिस जगह हम खड़े हैं, ये ईदगाह खेरिया मोड़ का आरओबी रेलवे पुल है। तकरीबन यहाँ से 1 लाख लोगों का प्रतिदिन का आवागमन आप यहाँ देख सकते हैं। 15 जनवरी से रेलवे विभाग इस पर निर्माण कार्य शुरू करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह जिस पुल पर हम खड़े हैं, इसके नीचे 4 गार्डर लगे हैं और 4 गार्डर में से 4 गार्डर बदले जाने हैं। 4 गार्डरों में से 1 गार्डर में जंग लग चुकी है। तकरीबन 2.5 महीने का वक्त लगेगा। 2.5 महीने के लिए इस पूरे मार्ग को डाइवर्ट किया जाएगा। खेरिया मोड़, मलपुरा के अलावा अकोला, गहरा, कागरौल, इस पूरे मार्ग से आने वाले लोगों को रोहता होकर निकाला जाएगा और जो दोपहिया वाहन है वो लोग शाहगंज से होते हुए ईदगाह की ओर जाएंगे। तकरीबन 60 साल पुराने इस रेलवे पुल पर मरम्मत का कार्य चलेगा।